स्वतंत्रता सेनानी पांडुरंग महादेव बापट। हमारे देश भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। लोग उन्हें सेनापति बापट के नाम से जानते हैं। स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी पांडुरंग महादेव बापट के बारे में साने गुरुजी ने कहा था, सेनापति बापट में मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज तथा समर्थ गुरुदेव रामदास तथा संत गुरु तुकाराम की त्रिमूर्ति दिखाई पड़ती है। साने गुरुजी पांडुरंग महादेव बापट जी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी तथा विनायक दामोदर सावरकर का अपूर्ण और मधुर और मजबूत मिश्रण भी करते थे। सेनापति बापट को भक्ति, ज्ञान व सेवा की सुलभ गायत्री की संज्ञा दी जाती है। पांडुरंग बापट का जन्म 12 नवंबर 1880 को महादेव व गंगाबाई के घर पारनेर गांव में महाराष्ट्र में हुआ था। पांडुरंग बापट जी ने पारनेर में प्राथमिक शिक्षा के बाद 12 वर्ष की अवस्था में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल पुणे में शिक्षा ग्रहण की। पुणे में फैले फ्लैग महामारी के कारण बापट जी को पारनेर वापस लौटना पड़ा। गृह जीवन में उनका प्रवेश 18 वर्ष की आयु में हुआ। अपनी मौसी के घर अहमदनगर में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने 5वां स्थान तथा जगन्नाथ क्षेत्र की छात्रवृत्ति प्राप्त की। कचहरी में दस्तावेज नवीन का कार्य उन्होंने अपने इसी दौरान किया। इस समय उन्होंने 12 रुपये प्रति की छात्रवृत्ति अपने संस्कृत विषय में हासिल की तथा उच्च शिक्षा हेतु 3 वर्ष 1900 को 20 वर्ष की उम्र में डेकन कॉलेज पुणे में दाखिला लेकर छात्रावास में टोपी लगाकर बाहर जाने के नियम का असावधानी पूर्वक उल्लंघन करने के कारण उन्होंने 6 महीने छात्रावास से बाहर रहने का दंड मिला। इस अवसर पर सतारा के नाना साहब के मुताबिक वह बापट को अपने कमरे में रख कर सहारा दिया। अपनी उच्च शिक्षा को जारी रखने के उद्देश्य से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बापट जी ने बम्बई पहुंचकर स्कूल में अस्थाई अध्यापक का कार्य प्रारंभ कर दिया। सौभाग्य से बापट को मंगलदास नाथूभाई जी की छात्रवृत्ति मिल गई। अब बापट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने स्कॉटलैंड पहुंच गए। उन्होंने यहाँ क्वींस रॉयल क्लब में अपने निशानेबाजी करनी सीख ली। भारतीय क्रांतिकारियों में प्रेरणा स्रोत श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने लंदन में क्रांतिकारियों के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की थी तथा इंडियन सोशलिस्ट नामक अखबार से क्रांतिकारियों का प्रचार प्रसार भी किया था। उस महान विभूति श्यामजी कृष्ण वर्मा से यही एक पांडुरंग महादेव बापट जी की मुलाकात हुई थी। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत की परिस्थिति विषय सैपट सभाग्रह में निबंध वाचन के अवसर पर श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा उपलब्ध कराई गई आप पंजी सामग्री के आधार पर उन्होंने अपना भाषण दिया तथा उन्होंने अपना निबंध छापा। तत्काल मुंबई विद्यापीठ सिफारिश पर बापट जी की छात्रवृत्ति समाप्त हो गई। अपनी मातृभूमि की दशा को बखान करने की कीमत चुकाई बापट जी ने। अब बापट ने एक क्रांति की शिक्षा ग्रहण करना आरंभ कर दिया। इंडिया हाउस में रहने के दौरान बापट विनायक दामोदर सावरकर के संपर्क में आए। इनको पेरिस बम कौशल सीखने भेजा गया। अपनी विद्वता का इस्तेमाल उन्होंने अपने देश की सेवा व लेखन में किया। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होने वाले 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में वॉट शैल अवसर पर कांग्रेस जू तथा 1907 में 100 वर्षवाद का भारत अपना कालजयी लेख था। मजदूरों, मेहनतकशों तथा आम जनों को एकता के सूत्र में बांधने तथा क्रांति की ज्वाला को फैलाने के उद्देश्य से श्यामजी कृष्ण वर्मा का सावरकर की सलाह के आधार पर बापट जी भारत वापस आए। शिव बंदरगाह पर उतरने के पश्चात धूले भूसावाल होते हुए कोलकाता के हेमचंद्र दास के घर मणिकतला में पहुंचे। यहाँ कई क्रांतिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई। इन्हीं क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी बम परीक्षण में 2 महीने बाद गिरफ्तार हो गए।
जो मुखबिर बन गए। सेनापति बापट जी की भी तलाश प्रारंभ हो गई। 4.5 वर्ष बाद इंदौर में पुलिस के हाथों बापट जी भी गिरफ्तार हो गए। इसी बीच मुखबिर बने नरेंद्र गोस्वामी को क्रांतिकारी चारू चंद्र गुहा ने मार दिया। फलस्वरूप बापट पर कोई अभियोग सिद्ध नहीं हो सका। 5 वर्ष की जेल ना होने से बढ़िया उनको 5,000 की जमानत पर छुटा कर बापट पारनेर घर आकर सामाजिक सेवा और स्वच्छता जागरूकता महारों के बच्चों की शिक्षा तथा धार्मिक प्रवचन आदि कार्यों में वह लग गए। पुलिस व गुप्तचर बापट के पीछे पड़े रहे। 1 नवंबर 1914 को एक पुत्र की प्राप्ति के पश्चात नामांकन के अवसर पर उन्होंने प्रथम भोजन हरिजनों को कराने का साहसिक कार्य किया था। अप्रैल 1915 को पूना के वासु काका जोशी के चित्रम्य जगत नामक अखबार में फिर 5 माह बाद तिलक के मराठी पत्र में बापट ने कार्य किया। पापा जी पुणे में सामाजिक कार्य व रास्ते की साफ सफाई करते रहते थे। बापट ने मराठा पत्र रोक छोड़ने के बाद पारड़कर के लोक संग्रह दैनिक में विदेश राजनीति पर लेखन करने के साथ साथ डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केलकर के ज्ञानकोश कार्यालय में भी काम किया और उनकी पत्नी उन्हें 4 अगस्त 1920 को छोड़कर स्वर्ग चली गई। इस समय बापट 2 अगस्त 1920 से चल रही श्रमिक मैत्रों की मुंबई में चल रही हड़ताल का नेतृत्व कर रहे थे। झाड़ू कामगार मित्र मंडल का गठन कर संदेश नामक समाचार पत्र में विवरण छपवाया। मानवता की शिक्षा देते हुए मुंबई वासियों को जागृत करने हेतु गले में पट्टी लटकाकर भोजन करते हुए 1 सितंबर 1920 को चौपाटी पहुंचे। उनकी यह हड़ताल सफल हुई। इसके पश्चात अंडमान में काले पानी की सजा भोग रहे क्रांतिकारियों की मुक्ति के लिए डॉक्टर नारायण दामोदर सावरकर के साथ मिलकर उन्होंने अपना हस्ताक्षर अभियान चलवाया, घर घर भ्रमण किया, लेख लिखे तथा सभाएं आयोजित की। इसके साथ ही उन्होंने राजबंदी मुक्ता मंडल की भी स्थापना की। काले पानी की कठोर यातना से इंद्रभूषण सेन आत्महत्या कर चुके थे तथा उल्लासकर दत्त पागल हो गए थे। महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत की विभिन्न चोटियों पर बांध बांधने की योजना टाटा कंपनी ने की। मुलशी ने निकट मूला व नीला नदियों के संगम पर प्रस्तावित बांध से 54 गांव और खेती डूब रही थी। विनायक राव भूसकटे ने इसके विरोध में सत्याग्रह चला रखा था। 1 मई 1922 को दूसरे सत्याग्रह की शुरुआत होते ही सेनापति पापट जी को गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने उन्हें 6 माह के लिए येरवडा जेल भेज दिया गया। छूटने के बाद बापट मुंशी के विषय में घूम घूम कर कविता पाठ करते, प्रचार फेरियां निकलवाते, नागपुर में बैलगांव तक भ्रमण किया बापट ने। आपस बापट जी को मालूम पता चला था कि अंग्रेज ऐसा मानने वाले नहीं हैं। अब बापट सभाओं में कहते, अब गप मारने के दिन खत्म हुए, बम मारने के दिन आ गए हैं। मुलशी प्रकरण में 23 अक्टूबर 1923 को बापट तीसरी बार गिरफ्तार हो गए। रिहाई के बाद रेल की पटरी पर गाड़ी रोकने के लिए पत्थर बिछाकर हाथ में तलवार, कमर में हथियार और दूसरे हाथ में पिस्तौल लेकर बापट धोती की काख बांधे अपने 5 साथियों के साथ खड़े थे। इस रेल रोको आंदोलन में गिरफ्तारी के बाद 7 वर्ष तक सिंध प्रांत के हैदराबाद जेल में बापट अकेले कैद रहे। मुलशी आंदोलन से ही बापट को सेनापति का खिताब मिला। रिहाई के बाद 28 जून 1931 को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। विदेशी बहिष्कार का आंदोलन चला। अपने भाषणों के कारण बापट फिर जेल पहुंचे। सिर्फ 5 महीने बाद ही गिरफ्तार हुए। बापट ने वकील करने से मना कर दिया। 7 वर्ष के काले पानी तथा 3 वर्ष की दूसरे कारावास में रहने की सजा मिली। जेल में रहने के ही दौरान उनके माता पिता की मृत्यु हो गई तथा उनके लिए भार कांग्रेस ने सार्वजनिक हड़ताल व सभाएं की। येरवडा जेल में बंद गांधी जी के अनशन के समर्थन में सेनापति बापट जी ने जेल में ही अनशन किया। सूत कातने, कविता लिखने, साफ सफाई करने में वह जेल अपना समय बिताते थे।
अनशन करने में स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें बेलगांव भेज दिया गया। 23 जुलाई 1937 को रिहा कर दिए गए। सेनापति बापट के रिहाई के अवसर पर स्वागत हेतु बहुत विशाल सभा रखी गई। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने पर बापट को महाराष्ट्र शाखा का अध्यक्ष बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने का फॉरवर्ड ब्लॉक ने भाषण दिया। कोल्हापुर रियासत में धारा 144 लगी थी, जिसके कारण वहां भाषण देने के लिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता था। उन्होंने फिर कोल्हापुर में सभा कर विचार रखे। 5 अप्रैल 1940 को मुंबई स्टेशन पर आपको गिरफ्तार कर कल्याण छोड़ा तथा मुंबई प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नज़रबंदी के बावजूद उन्होंने चौपाटी में पुलिस कमिश्नर समित की मौजूदगी में उर्दू में भाषण दिया। इस अवसर पर अंग्रेज का पुतला तथा यूनियन जैक भी जलाया गया। बापट को गिरफ्तार कर नासिक जेल में रखा गया। यहाँ पर बापट का पुत्र वामन राव भी द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध की सजा में बंद थे। 20 मई 1944 को उनकी पुत्री का भी देहांत हो गया तथा 7 महीने की छोटी उम्र में उनकी इसकी जिम्मेदारी उन पर आ गई। नवंबर 1944 में विद्यार्थी परिषद का आयोजन हुआ। चंद्रपुर अकोला की सभाओं के दौरान सेनापति बापट अमरावती की सभा के पहले ही गिरफ्तार हो गए। 1 वर्ष की सजा फिर हुई। 1946 में दुर्भिक्ष पड़ा। इस अवसर पर सेनापति बापट जी ने मजदूरों का साथ दिया तथा सहायता निधि जमा करके मजदूरों का भी मदद की। मातृभूमि की सेवा करने की जो शपथ 1902 में छात्र जीवन में बापट जी ने ली थी, उस शपथ का अक्सरस पालन किया। देश के लिए पूरा जीवन व्यतीत करने वाले इस सेनापति जी का अधिकांश जीवन जेल में ही बीता। संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना व गोवा मुक्ति आंदोलन के योद्धा सेनापति बापट जी सदैव हमारे बीच प्रेरणा बनकर रहेंगे तथा आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को बापट ने पुणे शहर में तिरंगा फहराने का गौरवशील अवसर हासिल किया। सेनापति बापट की देहांतवास 28 नवंबर 1967 को हुआ था। पुणे मुंबई में सेनापति बापट के सम्मान में एक प्रसिद्ध सड़क का नामांकन किया गया था। अगर आप सभी को सेनापति बापट की जिंदगी से जुड़ी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक